और खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी की बैठक चल रही है, महाराष्ट्र को लेकर यह बैठक है। शरद पवार के घर पर तमाम बड़े नेता दोनों दलों के पहुंचे हुए हैं और इस बैठक के बाद किसी बड़ी खबर के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। शरद पवार के घर कांग्रेस एनसीपी के नेताओं की बैठक जारी है। ये तस्वीरें देखिए, बैठक में बड़े नेताओं का पहुंचना जारी है। संजय राउत भी इस बैठक में पहुंचे हैं। आदित्य ठाकरे को आप देख रहे हैं कांग्रेस एनसीपी की बैठक में। वहीं आज बड़ी खबर कोई निकलकर आ सकती है इस गठबंधन को लेकर, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार के घर पर एक और बैठक। और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ और खबर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये बैठक शरद पवार के घर पर हो रही है, इससे पहले कई बैठकें हो चुकी हैं, इस बैठक में क्या फाइनल तस्वीर सामने आ जाएगी? देखिए, उम्मीद इसी बात की लगाकर बैठे हैं तीनों ही दल, कांग्रेस, एनसीपी, चाहे शिवसेना की। जाहिर तौर पर इस बैठक के बाद एक फाइनल तस्वीर निकलकर सामने आए, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसके बाद उस बैठक की एक रूपरेखा अपनी अपनी पार्टियों के साथ नेताओं ने डिस्कस की। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस वॉर रूम, साथ ही शरद पवार दोनों के घर, जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनके पार्टी के नेताओं ने बैठक की, और उसके बाद अब जो साझा फैसला होना है वो इस बैठक में, चाहे वो पावर शेयरिंग को लेकर हो, चाहे मिनिस्टेरियल बर्थ मंत्री पद को लेकर हो, तमाम जो फैसले हैं चेहरों को लेकर, स्पीकर को लेकर, वो सारे फैसले लिए जाने हैं। साथ ही अलायंस का नाम भी फाइनली यहां से घोषित किया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि यहां से जो भी निर्णय है उसके बाद यहां से कांग्रेस और एनसीपी दोनों के ही महाराष्ट्र से जुड़े जो नेता हैं या जिम्मेदार जो हैं वो यहां से मुंबई जाएं और वहां पर शिवसेना के साथ मिलकर कोई साझा ऐलान आज रात या कल सुबह तक हो। तो ये तमाम सारे घटनाक्रम जो हैं आज अभी शाम से लेकर कल सुबह तक होने हैं, और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात लगातार कांग्रेस, एनसीपी और साथ साथ शिवसेना कर रहे थे, उसको लेकर एक आम सहमति लगभग बन चुकी है। क्योंकि पार्टी के अंदर की अगर बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस बात पे मुहर लगा दी अपनी बैठक में, एनसीपी ने अपनी तरफ से तैयारी है, शिवसेना का रुख भी लगभग यही है कि वो सरकार बना लेंगे दिसंबर से पहले पहले। तो ये जाहिर तौर पर एक सकारात्मक तस्वीर जो है इस पर बड़ी खबर इससे निकल कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महाराष्ट्र के सस्पेंस से आज कम से कम पर्दा हट जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम फैसले के बाद पहली बार राम मंदिर पर बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया, अब अयोध्या में आसमान छूने वाला भव्य राम मंदिर बनेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का नाम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हो सकता है, पहले महाशिव गठबंधन नाम रखा जाना था। एनसीआर के एनआरसी के समर्थन में आए रामदेव, कहा घुसपैठियों को बताया देश के लिए खतरा, कल अमित शाह ने देश से घुसपैठियों को निकालने की कही थी बात। सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्याओं मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने रोहिंग्याओं को वापस भेजने की दी है अर्जी। दिल्ली में पानी पर पोस्टर पॉलिटिक्स, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में जगह मिलने पर कांग्रेस ने साधा निशाना, फैसले को बताया वीरों का अपमान, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण।